मैं बोला 10 रुपये देख रहा हूँ, मैं किसी ने बोले कहा जो कि मेरे पास ये LG का एक 21 इंच का टीवी है, जो देख सकते हैं इस प्रकार से स्क्रीन आ रहा है, स्क्रीन प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसमें बहुत ही आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं, सिर्फ एक ही सामान इसमें कंपोनेंट ख़राब होता है, उसको चेंज करने से ये सही हो जाएगा, ठीक है साहब। तो बने रहे मेरे साथ में। तो कर दिया हमने ऑफ, डायरेक्ट प्रॉब्लम पे लेके जाता हूँ, ठीक है गाइस, आपको डायरेक्ट प्रॉब्लम दिखाऊंगा, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं। यहाँ पर देख सकते हैं कैपेसिटर 250 वोल्ट का। ये प्रॉब्लम क्यों देखने को मिलता है आप लोगों को बताओ, क्योंकि ये जो बेस किट है, ये कलर बोर्ड है जो कि आपको कलर में काम आता है, यहाँ पर अगर यहाँ पर सप्लाई 180 सप्लाई नहीं आता है इस बोर्ड पर, तो 180 सप्लाई नहीं आएगा तो हमारे यहाँ पर ट्रांजिस्टर होता है RGB के, वो काम नहीं करता है, ठीक है। वो काम नहीं करने से आपका इसमें इस तरह से फॉल्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिनिमम आपका 150 सप्लाई होना ही पड़ेगा, तो अभी आपका स्क्रीन थोड़ा बहुत क्लियर आता है, लेकिन LG में 180-190 सप्लाई आता है, ठीक है गाइस। तो वो सप्लाई हमारा इस कैपेसिटर के जरूर फिल्टर होके आता है, क्योंकि कैपेसिटर अभी तो सप्लाई डायरेक्ट के थ्रू यहाँ पर आ रहा है, लेकिन कैपेसिटर हमारा क्या कर रहा है, फिल्टर नहीं कर रहा है, तो इसकी वजह से हमारा जो सप्लाई है वो बहुत कम मिल रहा है, ठीक है। तो हम इसको चेंज करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ही फॉल्ट होता है ज़्यादातर, और किसी का फॉल्ट ये नहीं होता है, ठीक है गाइस। तो बने रहे मेरे साथ, मैं इसको चेंज करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो अब 250 वोल्ट 4.7 लगा सकते हैं, इसमें वो ये लगा हुआ है, ठीक है गाइस। तो इसको चेंज करते हैं हम, हेलो गाइस। तो इसको हमने खोल लिया हूँ, यहाँ पर 250 वोल्ट की कैपेसिटर ले लिया हूँ, 4.7 देख सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर बिठा देता हूँ, तो इसका पॉजिटिव निगेटिव देख लेना है, ये निगेटिव है, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, तो इस पर भी लिखा हुआ है माइनस, तो आपको इस तरह से लगा देना है इसको, ठीक है। इस तरह से लगाने के बाद अब इसको नीचे सोल्डरिंग कर देना है, ठीक है। और इसके आगे एक PF भी होता है, ये नॉइस के लिए एक PF दिया जाता है, ठीक है। तो इसको PF को भी चेक कर ले, कभी कभी PF भी शॉर्ट होके बैठता है, ठीक है। तो ये PF डायरेक्ट के इस पर उस पर दिया हुआ है, तो इसको मैंने सोल्डरिंग कर दिया हूँ, तो इसके बाकी के हिस्से हम काट देता हूँ, ठीक है। तो इसको लगाने के बाद आपको यहाँ पर 180 सप्लाई मिलेगा, ठीक है। इसको चेक कर लेना मीटर से, तो मैं अभी इसको डायरेक्ट लगा के दिखाता हूँ आप लोगों को। अगर आपका इसको लगाने के बाद भी नहीं आ रहा है, तो इसके आगे एक रेजिस्टेंस होता है, मैं आपको दिखाऊं। यहाँ पर एक डायोड होता है, डायोड के उस पर एक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। इस रेजिस्टेंस को जरूर से चेक करें, अगर इसको लगाने के बाद भी नहीं हो रहा है तो इस डायोड को और इस रेजिस्टेंस को चेक करें, और यहाँ पर एक PF होता है, इसको भी साथ में चेक कर लें। तो मैं इसको घुमा लेता हूँ बस, ठीक है। दे दिया पावर में, ये ऑन हो गया, स्विच में दे देता हूँ इसका, दे दिया हूँ स्विच। अब ये सेट हमारा ऑन हो चुका है, जो सामने देखता हूँ इसका, देख सकते हैं ये भी लिखा हुआ आ चुका है। अभी मैं इसको स्विच को दबा के दिखाता हूँ, प्रोग्रामिंग में ला के दिखाता हूँ, प्रोग्रामिंग में मैं लेके आ चुका हूँ, ये देख सकते हैं, ठीक है गाइस। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है गाइस। तो इस वीडियो को यहाँ पर ही ख़त्म कर देता हूँ, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर से कीजिए।